जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं आनंद चौहान पाथफाइंडर डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अभी हाल ही दिनों में एयरफोर्स का फेज वन पेपर कंप्लीट हो चुका है। काफी सारे बच्चों ने फेज वन का पेपर दिया, बहुत सारे बच्चों ने अपने अपने फीडबैक दिए हैं कि पेपर कैसा हुआ, पेपर कैसा हुआ, पेपर कैसा हुआ। बहुत अच्छा लगता है जब बच्चा फीडबैक देता है कि सर पेपर बहुत अच्छा हुआ, अब हमें आगे की तैयारी करनी है, सर फेज टू में क्या क्या होता है। इस तरीके के क्वेश्चन जब लगातार बच्चा पूछता है तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आपको बेहतर तरीके से एकदम सिंपल एंड सिंपलेस्ट वे में अगर मैं आपको समझाऊं कि व्हाट इज अ फेज टू, जो आपका एयरफोर्स का, जो भी हमारे अग्निवीर के भाई हैं जो एयरफोर्स के थ्रू अग्निवीर एयरफोर्स के थ्रू जाना चाहते हैं, जिन्होंने रिटन का एग्जाम देकर के आए हैं, फेज वन हुआ है उनके लिए, फेज टू को हमने बेटा सेवन स्टेप्स में क्या किया है, सात चरणों में उसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसे कैटेगराइज करके हम आपको सिंपलेस्ट वे में हम बताएंगे कि बेटा क्या क्या होता है। तो बताने से पहले सेवन स्टेप्स, जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है सेवन स्टेप्स को जो डिवाइड किया है मैंने, इसको बताने से पहले बेटा मैं बता दूं कि जो भी बच्चा एक्स ग्रुप का पेपर देकर गया है लगभग 30 नंबर 31 नंबर आ रहे हैं, तो बच्चा एलिजिबल है, इन है ऑलमोस्ट, ठीक है। और जो बच्चा करीब वही 34 या 35 या 33 नंबर के आसपास लेकर के आ रहा है वो भी बच्चा अपने आप को लगभग लगभग इन ही समझे वाई ग्रुप के लिए। तो बच्चा अभी से मैं आप सभी लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सभी का, जो भी बच्चों ने मेहनत करके पेपर दिया है, सभी का रिजल्ट क्लियर हो, रिटर्न क्लियर हो, कट ऑफ क्लियर हो और वो आगे के फेज टू में बेटा वो अपने आप को अपेयर करें। हम आगे बढ़ते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें एयरफोर्स अग्निवीर फेज टू के सिलेक्शन प्रोसीजर को, जिसको हमने बेटा कुल सात स्टेप में क्या किया है, कैटेगराइज कर दिया है बेटा। हम अगर बात करें जो स्टेप वन है बेटा, जो स्टेप वन है उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल फिटनेस टेस्ट बोलते हैं। स्टेज वन को हमने फिजिकल फिटनेस टेस्ट नाम दिया है, ठीक है। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, एकदम नॉकआउट राउंड है आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जहां पर जो बच्चा नहीं कर पाएगा वो बच्चा वहीं से वापस कर दिया जाएगा। इस एपीएफटी में, फिजिकल फिटनेस टेस्ट में बेटा सबसे पहले आपको 1600 मीटर की रेस लगानी है, जो कि टाइम जो दिया मिलेगा आपको दौड़ने के लिए वो 6.5 मिनट का समय जो है एक बच्चे, हर बच्चे को मिलेगा बेटा, ग्रुप में दौड़ाया जाएगा। मेरे ख्याल से जिस एज में आप अभी है बेटा, उस एज में 1600 मीटर 6.5 मिनट का जो समय है वो मोर देन सफिशियंट है बेटा। तो अभी से बच्चे लोग जुट जाइए, रनिंग बेहतर करिए, ठीक है। जो भी बच्चा रनिंग को क्लियर, ध्यान रखिएगा क्वालिफाइंग नेचर का है बेटा ये टेस्ट, क्वालिफाइंग नेचर का, इसके कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। रनिंग क्वालिफाइंग है, जब 1600 मीटर आप क्वालिफाई कर लेंगे 6.5 मिनट के अंदर, जो बचे हुए लोग होंगे बेटा वो आगे प्रोसीड करेंगे 10 पुशअप्स के लिए। 10 पुशअप्स लगाने के बाद जो बच्चे बचेंगे वो आगे प्रोसीड करेंगे 10 सेटअप्स के लिए, और फिर जो बच्चा बचेगा वो आगे जाएगा 20 स्क्वाट्स लगाने के लिए। तो दीज आर द फिजिकल फिटनेस टेस्ट। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट बेटा आपको 1600 मीटर रेस करनी है, 10 पुशअप करने हैं, 10 सेटअप करने हैं एंड फोर्थ वन इज 20 स्क्वाट्स करना है। तो दैट इज द स्टेप वन, जिसे फिजिकल फिटनेस टेस्ट कहा जाता है। अगर हम स्टेज टू, स्टेप टू की बात करें, जिसे एडेप्टेबिलिटी टेस्ट कहा जाता है, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट वन, जिसे क्या कहा जाता है, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट वन, जस्ट अ मिनट बेटा, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट वन। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट वन में बेटा क्या है, साइकोलॉजिकल टेस्ट है। साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या है बेटा, टोटल 45 क्वेश्चंस आता है मुन्ना, ध्यान रखिएगा 45 क्वेश्चन मिलेंगे आपको वहां पर सॉल्व करने के लिए, ठीक है। एकदम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शन होगा और एक आपको उसमें सबसे, जो आपके हिसाब से सबसे उपयुक्त आंसर होगा, जो फेवरेबल होगा उससे आपको टिक करना है मुन्ना। 45 क्वेश्चन, 30 मिनट का समय मिलने वाला है। पेपर जो आने वाला है बेटा वो पूरी तरीके से हिंदी, पहले हिंदी होगा, पहले इंग्लिश होगा, फिर हिंदी होगा, फिर इंग्लिश होगा, फिर हिंदी होगा, यानी हर क्वेश्चन बाइलिंगुअल में मिलेगा आपको, वहां पर जो शीट मिलेगी और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको अपनी ओएमआर शीट में उसका टिक लगाने होंगे बेटे। हिंदी इंग्लिश होगा, नो नेगेटिव मार्किंग। मैं बता दूं कि जो आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट होने वाले, जिसे आप SRT कहते हैं, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट कहते हैं, वहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। तो गो फॉर इट, सारे के सारे क्वेश्चंस को टेक करना है। 45 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जिसे सॉल्व करने के 30 मिनट का समय मिलेगा बेटा। एक चीज और मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि जो 45 क्वेश्चंस है उसमें क्या है, 40 क्वेश्चन जो होंगे दैट इज बेस्ड ऑन SRTs, ठीक है, सिचुएशन बेस्ड होंगे, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होंगे, और जो 5 क्वेश्चन होंगे वो रीजनिंग होंगे, जो आपकी लॉजिकल एबिलिटी को चेक करेंगे वहां पर, ठीक है। तो दैट इज अ क्या है, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट वन, जिसे हमने उसको स्टेप टू नाम दिया है बेटा।
स्टेप थ्री की बात करें तो स्टेप थ्री में बेटा क्या है, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट टू होता है। इसमें क्या बेटा, ग्रुप डिस्कशन होगा मुन्ना, जो ग्रुप डिस्कशन से जीडी कहते हैं, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी बच्चा स्टेप टू को क्लियर करके आएगा वो जीडी में पार्टिसिपेट करने का उसे मौका मिलेगा। अगेन वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट ऑफ फेज टू, बहुत टफ होता है, बहुत टफ नहीं मतलब टफेस्ट होता है अगर आप कंपेयर करेंगे एज प्रीवियस, अगर स्टेप वन एंड स्टेप टू को। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो भाषा है, जो लैंग्वेज होने वाली है बेटा, वो सिर्फ इंग्लिश होने वाली है। ग्रुप डिस्कशन ऑलवेज बी कंडक्टेड इन इंग्लिश ओनली, यहाँ पर हिंदी का आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा बेटा। तो प्रिपेयर करना है आपको, जैसे ग्रुप डिस्कशन होगा जिसमें आपको एक शीट मिलेगी, शीट पे ठीक है आपको टॉपिक मिलेगा, टॉपिक का मतलब पूरा एक डिटेल्ड फॉर्म में आपको मिलेगा, आपको उसको देखना है। 5 मिनट का लगभग आपको समय दिया जाएगा उसको, आपको 4 से 5 मिनट का समय आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। उसमें कोई हेडिंग नहीं होगी, कोई उसका टॉपिक नहीं होगा, ठीक, टाइटल नहीं होगा कोई, बस आपको उसी के बिहाफ पे आपको क्या करना है, ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है। ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेशन से पहले क्या होना है, आपको एक सेमी सर्कल, ठीक है ना, हालांकि ये हाँ सेमी सर्कल ही है, सेमी सर्कल के फॉर्म में बैठाया जाएगा। लगभग 15 से 20, ठीक है ना, 15 से 20 बच्चों का एक एक बैच बनता है ग्रुप डिस्कशन के लिए, आइडियली 15, बट अगर रिपोर्टिंग ज्यादा हो तो इट कैन बी इंक्रीज, बढ़ाया भी जा सकता है। तो 15 से 20 बच्चों का बैच बनेगा, उसमें आपको जीडी करने का मौका मिलेगा। जीडी में पार्ट, जीडी स्टार्ट करने से पहले आपको बैठ करके अपना इंट्रोडक्शन देना है, और इंट्रोडक्शन के बाद आपको नरेशन देना है, जो आपने पॉइंट्स पढ़े हैं, ठीक है, जो आपको शीट मिली थी उसके अकॉर्डिंग। देन वहां पर जैसे ही आपको जो है इंस्ट्रक्शन मिलेंगे जीडी स्टार्ट करने के, अपनी जीडी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वहां पर किसी को वन बाय वन मौका नहीं मिलेगा, इट्स अ ग्रुप डिस्कशन, उसमें जो व्यक्ति जितनी जल्दी अपनी बातों को सबके सामने रखेगा वही उसके लिए ज्यादा बेहतर है। तो दैट इज अ स्टेप थ्री जो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट टू के अंतर्गत आता है बेटा। जो स्टेप फोर है बेटा, जो बच्चा जीडी तक पार्टिसिपेट करने के बाद जो बच्चे बचेंगे उनको फाइनल रिजल्ट मिलेगा, उनको चेस्ट नंबर जो है मिलेगा, नया चेस्ट नंबर दिया जाएगा, और फिर उसके बाद जो है डॉक्यूमेंटेशन होगा स्टेप फाइव में। और डॉक्यूमेंटेशन अगर क्लियर करते हैं आप, डॉक्यूमेंटेशन अगर आपके सही है डॉक्यूमेंट, देन आप प्रोसीड कर जाएंगे स्टेप सिक्स के लिए, जैसे मेडिकल्स के लिए। ध्यान रखिएगा ये 6 के 6 चरण जो है वो क्लियर करने हैं, तब जा करके आप जो आपका स्टेप सेकेंड है, सेवन है, जिसे हम फाइनल मेरिट लिस्ट कहते हैं, और इससे आपको आपको इसका वेट करना होगा फाइनल मेरिट लिस्ट का। और जैसे ही फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी, अगर आपका नाम है तो आप बिल्कुल बेलगांव के आप बेलगांव पहुंच सकते हैं, जहां पर आपको ट्रेनिंग करनी है। जो हमारे एयरमैन भाई हैं, जो एयरमैन बच्चे हैं जो ट्रेनिंग करते हैं वहां पर, तो वहां पर आपका फिर बहुत बहुत स्वागत होगा बेटा। तो ये एक छोटा सा मॉड्यूल मैंने क्लियर किया आप सभी बच्चों के सामने कि व्हाट इज अ एयरफोर्स फेज टू। तरह तरह की जो कन्फ्यूजन है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं उसे क्लियर करने में थोड़ा सा जो है मैंने आपका सहयोग किया होगा, हेल्प किया होगा बेटा, ठीक है। तो आप सभी लोग बच्चा, जो भी बच्चे फेज वन का रिटर्न दे चुके हैं, फेज टू की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको पाथफाइंडर डिफेंस एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत पाथफाइंडर डिफेंस एकेडमी की तरफ से उनको बुलावा है, आप आ सकते हैं हमारे पास। हमारे पास फेज टू की पूरी क्लासेस, जिसमें फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ठीक है, जिसमें एडेप्टेबिलिटी टेस्ट दोनों चीजें होती है, वो सारी चीजें हम आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से हम आपको सिखाएंगे, कराएंगे और पूरी की पूरी तैयारी कराएंगे, ताकि आप भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन सके बेटा, ठीक है। और इसी के साथ एक और खास बात, एक नोटिफिकेशन है बेटा, वो तो अभी फेज टू की बात से हट करके हम बात करेंगे। हमारा एप्लीकेशन 26 जनवरी को लॉन्च हो रहा है, पाथफाइंडर डिफेंस एकेडमी के नाम से हमारा लर्निंग एप्लीकेशन आ गया है मुन्ना, ठीक है, जिसमें ठीक है आपको टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन क्लासेस, एवरीथिंग इन इट, सब कुछ मिलने वाला है। 26 जनवरी को हम जो है लॉन्च कर रहे हैं, और 26 जनवरी को लॉन्चिंग जो लॉन्च करते हैं, जो हमने अमाउंट अमाउंट पे 30% का डिस्काउंट दिया बेटा, जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट हैं, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी, व्हाटएवर, आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद ठीक है, मात्र जो प्राइस रखा गया है बेटा वो केवल 299 रुपए रखा गया है टेस्ट सीरीज का, ठीक है ना, 299 रुपए में आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। टेस्ट सीरीज जो होगी वो एकदम अप टू द मार्क होगी, और हम चूंकि जो चीजें हम अपने ऑफलाइन बच्चों को यहाँ पर दे रहे थे, अब हम चाहते हैं कि जो हमसे दूर के बच्चे वो भी कनेक्ट हो, वो भी जुड़े और उस चीज का फायदा उठाए जो यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे आने में असमर्थ होते हैं, उनके लिए हमने सबसे पहले एक पोर्टल टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम जुड़ेंगे। और क्योंकि टेस्ट सीरीज जो होती है वो किसी भी बच्चे की सफलता में बहुत इंपॉर्टेंट कारक होता है, इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है,
हमारा तो टैगलाइन भी वही है बच्चा कि हम पढ़ाते वही है जो एग्जाम में आता है। तो यानी कि जो हम टेस्ट सीरीज में कराते हैं लगभग लगभग ठीक है, जो क्वेश्चन है वो पूरे पूरे ऑलमोस्ट वहीं से आते हैं। ठीक है, तो अगर आप टेस्ट सीरीज लेते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं आपको रिजल्ट तो पता चल ही जाएगा, इसके साथ साथ हूबहू क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएंगे और आप उसकी प्रैक्टिस करके अपना जो भी एग्जाम है एनडीए सीडीएस एयरफोर्स नेवी जिस भी एग्जाम के लिए आप हैं उस एग्जाम को आप क्लियर कर सकते हैं बेटा। तो इसी के साथ मैं आज अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, फिर मिलेंगे, जय हिंद।